और चाहिए को तो ले लेना। ए नामिया तू। हाय राहुल। हाय, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या है, 1 रुपए के राजमा चावल? यार मैं हर संडे यहाँ पे राजमा चावल बांटने आती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? ये सब कौन करता है और क्या प्रूफ करना चाहती है तू ये? मैं कुछ प्रूव नहीं करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। अच्छा, अगर इतना ही शौक है सोशल सर्विस का तो ये सब 1 रुपए में क्यों दे रही है? फ्री में बांटो ना। बात तो तेरी सही है, पर उनको भीख समझ के खाना देने से अच्छा है उनसे 1 रुपए लूं और राजमा चावल दे दूं। But I think you should also try this. Oh please, ये सब फालतू चीजों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मैं भी देखता हूँ ये सब करने से तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं। गुड बाय मैडम, 1 रुपए के राजमा चावल। हे नाम्या, कल मॉर्निंग में आर्ट गैलरी है, तू चलेगी? हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। यार संडे 10 से 12, देखो पता है मैं कहाँ होती हूँ। अरे यार अब तू ये मत बोलियो कि अपने राजमा चावल के चक्कर में तू हमारे साथ नहीं जाएगी। तुझे पता तो है यार कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। यार एक दिन की तो बात है, एक संडे तू अपनी समाज सेवा नहीं करेगी तो किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। राहुल वहाँ लोग वेट करते हैं मेरा, आई कांट लीव देम लाइक दिस यार। अरे यार 4 लोगों को राजमा चावल खिलाने से इस देश की भुखमरी खत्म नहीं होगी, समझ रही है तू? जब तक हमारे देश की सरकार कुछ नहीं करेगी तब तक हमारे देश में भुखमरी रहेगी। और एक बात बता, तूने सबकी भलाई का ठेका ले रखा है क्या? हैं? ठेका तो नहीं ले रखा, लेकिन राहुल तुझे पता है वहां पे कोई एक जना भी मेरा इंतजार कर रहा होगा ना, मुझे उस इंसान के लिए जाना है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है कल मैं तेरे साथ चलता हूँ और देखता हूँ तुझे ऐसी कौन सी खुशी मिलती है और वो लोग देखता हूँ जो तेरा इंतजार करते हैं। देखा तुम्हें एक इंसान ने भी थैंक यू नहीं कहा और तुम हो कि दुनिया बदलने निकली हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कुछ नहीं होने वाला। अरे संगीता साहब। नमस्ते। नमस्ते, तुम यहाँ भीख मांगने आई हो? भीख? साहब ये भीख थोड़ी ना है, मैं इन खानों के पैसे देती हूँ। तुम जानते हैं ने? हाँ नामिया बहुत अच्छे से, ये मेरे घर की मेड है। संगीता मैं तो तुम्हें पगार हर महीने टाइम पे देता हूँ, फिर क्यों आई हो यहाँ? साहब आप जो मुझे पैसे देते हैं उनका तो मेरे घर का किराया और बच्चों की फीस चली जाती है। वो तो मैडम जैसे कुछ भले लोग हैं जो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, वरना आज के टाइम में 1 रुपए में खाना कौन देता है साहब। संगीता मेरे से जो थोड़ा बहुत बन पाता है वो मैं कर देती हूँ। मैडम आप जो भी करती है हम लोगों के लिए बहुत है, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया का तो पता नहीं लेकिन संगीता की लाइफ में शायद मेरी वजह से चेंज जरूर आया है। नाम्या मुझे समझ आ गया मैं कितना गलत था, मैंने हमेशा तुम्हारे काम पर सवाल उठाए, पर आज मैं समझ गया तुम्हारे 1 रुपए के राजमा चावल से तुम कितने लोगों की जिंदगी बदल रहे हो। राहुल तुम्हें पता है हमारे आसपास की जिम्मेदारी अगर हम थोड़ी सी भी उठा लेना तो शायद दुनिया में भुखमरी कम हो जाए। Thank you.
से बोलो हैप्पी।